अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज पुलिस में अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हुआ करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म 2020 वाला है जब जॉब्स आई थी और ये फॉर्म फिल करना था। और वैसे भी ये फॉर्म जो है 1 से 5 पोस्ट के लिए है। जो आपकी जॉब्स आई हुई हैं मैक्सिमम जो आप अप्लाई करेंगे 16 से 17 तक, उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और वो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं मैं फॉर्म के अंदर बता देता हूँ, ताकि जॉब्स आएँ तो आपके पास सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें होनी चाहिए। ये ना होगा किसी चीज़ के मिस होने की वजह से आप अप्लाई करने से रह जाएँ, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अपनी तस्वीर बनवा के रख लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल जो है वो ज़रूर लगाना है, डोमिसाइल आपका बना हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप किसी ड्राइविंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप लोगों के पास जो चीज़ होना ज़रूरी है वो है आपका, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या और अगर आप डिसेबल हैं, यानी कि कोई आप कोटा हासिल करना चाहते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। आपको जो कौमी शिनाख्ती कार्ड है उसके वो होना ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जाहिर है जॉब आ रही है 18 साल से ऊपर वाले अप्लाई करेंगे तो शिनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं इनकी तस्दीक शुदा कापियाँ ज़रूरी हैं, ठीक है। तस्दीक शुदा कापियाँ, ये चीज़ें बनवा लें जॉब्स में, ये ज़रूर आपको काम आएंगी जब आप अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों की ये चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था और आप ले लें। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल अब 2021 वाला अनाउंस हो जाएगा उसकी भी अपडेट हम आपको फ़ौरन दे देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और साथ में थम्सअप भी दे दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।